क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव में हमें कहा है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू वन है एंड कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू रूट थ्री अपॉन टू है और हमें क्या फाइंड करना है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स ए एंड बी इसमें कुछ इंफॉर्मेशन और दी है दैट इज एंगल ए प्लस बी लाइज बिटवीन जीरो डिग्री एंड नाइन्टी डिग्री यानी कि ए और बी एक तरह से एक्यूट एंगल्स हैं और ए इज ग्रेटर देन बी है कि ए जो है बी से ग्रेटर आना चाहिए तो कैसे करेंगे इसको इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना बेटा। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइन A B तो इसके लिए आपको टिक्नोमेट्रिक टेबल को रेफर करना होगा ये टेबल आप कर लेना। अब साइन साइन वाला कॉलम में वन कितने डिग्री पे है देखो साइन वाले कॉलम को ऑब्जर्व करो वन जो है ना नाइन्टी डिग्री पे है तो हम इधर लिखेंगे साइन नाइन्टी साइन नाइन्टी डिग्री इज इक्वल टू वन ओके इसी तरह से आप ये देखेंगे कि कॉस रूट थ्री बाय टू कितने डिग्री पे है क्योंकि हमें क्या दिया है कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू रूट थ्री बाय टू दिया है ना तो कॉस रूट थ्री बाय टू कितने डिग्री पे है तो इसके लिए कॉस वाले कॉलम को ऑब्जर्व करो कॉस वाले कॉलम में रूट थ्री अपॉइट टू इधर है वो कितने डिग्री पे है थर्टी डिग्री पे यहाँ पर हम इज़ इक्वल टू रूट थ्री बाय टू लिख देंगे बाकी सब कुछ सेम साइन साइन सेम है वन वन सेम है इज इक्वल टू भी सेम है ए प्लस बी की जगह क्या आ रहा है नाइनटी आ रहा है ना तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. इसमें इसमें भी भी करो करो. कि A -B is equal to root 3 upon 2 को. 30 is equal to root 3 upon 2 से करो. इसमें भी देखो कौस, कौस सेम है is equal to, is equal to है है. दोनों ही सेम है. अब इधर चेंज क्या है इधर बस चेंज इतना है कि ए माइनस बी किस की जगह क्या आ रहा है थर्टी यानी कि ए माइनस बी हमारा किसके इक्वल होगा थर्टी के तो a माइनस बी इज इक्वल टू थर्टी अब ये बन गई हमारी इक्वेशन वन और ये इक्वेशन टू अभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बन गए इसको हम इलेमिनेशन मैथड से सॉल्व करेंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू नाइनटी पहले लिख लेंगे देन वी विल राइट ए माइनस बी इज इक्वल टू थर्टी अब इसमें देखो बी के कॉफिशेंट सेम है और साइन डिफरेंट है तो हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे यानी कि हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है हम प्लस बी माइनस बी डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं ए प्लस ए कितना होगा बच्चे टू ए और नाइन प्लस इज इक्वल टू वन ट्वेंटी होगी वन ट्वेंटी डिवाइडेड बाई टू क्योंकि ए तो तो की वैल्यू हमारी वन ट्वेंटी को टू से डिवाइड करेंगे तो सिक्सटी डिग्री आ गई अब ए की वैल्यू आ गई अब हमने निकालनी है बी की वैल्यू तो उसके लिए इक्वेशन वन या इक्वेशन टू में किसी एक में एक की ए की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दो तो, तो हम पहले इक्वेशन वन को ले लेते हैं ए प्लस बी इजिकल टू नाइनटी है ए की जगह आप 60 लिखो और बी की वैल्यू फाइंड कर लो और अब बी की वैल्यू क्या होगी बच्चे 90 प्लस सिक्सटी नाइनटी के साथ जाएगा तो माइनस सिक्सटी हो जाएगा सो बी इज इक्वल टू थर्टी डिग्री सो फाइनली हमारा आंसर आ गया ए इज डिग्री एंड बी 30 degree.